एक पेनफुल स्टॉक है मार्केट में, बजाज कंज्यूमर केयर। काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियो को खराब किया हुआ है इसने। आज के दिन भी देखेंगे तो लगभग 2.5% के आसपास गिरा है। कंपनी काम क्या करती है? ये FMCG वाली कंपनी है गाइस। आपके पास भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, बजाज के जितने भी, आपको आलमंड ऑयल हो गया, आमला ऑयल हो गया, ठीक है, हेयर ऑयल में मेनली जो भी जैस्मिन वगैरह के होते हैं, नारियल तेल होता है, दंत मंजन वगैरह, ये सब बनाती है ये कंपनी, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत यूज़ होते हैं, लेकिन कंपटीशन मार्केट में बहुत हैवी है, ठीक है। तो जिनके पास डाइवर्सिफिकेशन है, जो नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं, नई नई फील्ड में घुसते रहते हैं, वो FMCG कंपनीज आगे निकल रही हैं और इनके पास ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा। गाइस थोड़ा नॉइस सुनाई देगा आपको, बारिश वगैरह तेज़ हो गई है, तो वीडियो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देख रहे हैं, जब से ये लिस्ट हुआ है 2010-11 के आसपास से, और तब से इसमें यहाँ तक तेज़ी दिखी थी। उसके बाद लोग, ये जैसे गिरा ना, तो लोगों ने सोचा यहाँ पे अच्छी एंट्री हो रही है, यहाँ तक प्रॉफिट दिखा होगा, खूब खुशियाँ मनाई होंगी, और उसके बाद हुआ धोखा, ठीक है। धोखा कब हुआ? 2018 के बाद जो ये गिरना शुरू हुआ ना, तो कोविड के बाद भी ये संभल नहीं पाया, उसके बाद भी जब ये गिरा है तो गिरा हुआ ही है, तो इसमें कोई भी रिकवरी नहीं दिख रही है। अगर किसी के पास ये यहाँ पे होगा तो मुझे नहीं लगता वो होल्ड करके रख पाए होंगे इसे। पी रेशियो की हालत भी वैसी ही है जो ख़राब होती है। हम लोग EPS ऊपर की तरफ ढूंढते हैं, इसका EPS का पहाड़ नीचे गिरा हुआ है और PE ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल ही उल्टा काम हो रहा है इसमें, है ना। तो एंट्री तो इसमें सोचना नहीं, मुझे पता है जो लोग भी इसमें क्वेरी डाल रहे हैं वो इसमें से एग्ज़िट के प्लान्स के लिए डाल रहे हैं, कि इसमें से कैसे निकला जाए या क्या इसमें रहा जाए। तो हम लोग फंडामेंटल्स वगैरह चेक करते हैं कि अभी इसकी क्या हालत है, कुछ भी पॉजिटिविटी दिख रही है क्या। तो ROCE ROE तो बेटर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, 15 से ज़्यादा है, इट्स ओके। 5 साल का रिटर्न माइनस में है, ऑब्वियसली माइनस में ही रहेगा क्योंकि कंटिन्यूस फॉल ही है इसमें, तो ये बेटर कुछ साल के बाद हो सकता है अगर स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखे। और प्लस ये डिविडेंड बहुत ज़्यादा देते हैं, ऑब्वियसली गिरती हुई कंपनी है, अगर इन्वेस्टर्स को अपने पास रखना है तो डिविडेंड से ही उनको लालच देके रखना पड़ेगा। स्टॉक का PE देख सकते हैं, अपने इंडस्ट्री के PE से बहुत ज़्यादा कम है। FMCG का PE जो होता है वन ऑफ द हाईएस्ट होता है, या तो शायद हाईएस्ट होता है, आप देख लेना और बता देना मुझे कमेंट्स में। तो FMCG का स्टॉक होते हुए भी इसका PE कितना है? 21.6, जो कि बहुत कम है। कर्ज़ा इसके ऊपर कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बजाज की कंपनी है तो ऑब्वियसली कर्जे का कोई मतलब नहीं बनता। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है, तो क्वार्टरली रिजल्ट जब आएगा तब इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। प्रॉफिट्स देख के कोई फ़ायदा नहीं है, कंटिन्यूस फॉल है, इसलिए स्टॉक में भी फॉल है। कंपनीज़ के बैलेंस शीट में रिजर्व्स कम होते हुए मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन इसमें वो भी कम हो रहा है। बोरोइंग्स थोड़ी सी बढ़ी ही है, तो बोरोइंग से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसे, लेकिन फिर भी दोनों नेगेटिव पॉइंट्स, इवन कैश फ्लो भी जो है वो गिरा है। अब अगर इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर्स में आप देखेंगे कि इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा, बिल्कुल कुछ पॉइंट्स में बढ़ाया है। FII ने कुछ पॉइंट्स में बढ़ाया है, DII ने काफ़ी अच्छे तरीके से कम किया है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ यही है कि DII ने यहाँ पे तीनों के पास थोड़ा थोड़ा पार्ट बांट दिया है, जो कि मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है मुझे। अब ये छोटा नेगेटिव बड़ा नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या ढूंढ रहे थे यहाँ पे? पॉजिटिविटी, कुछ भी पॉजिटिविटी, जो कि अभी तक मुझे नहीं दिखी है। अब देखिए, एक न्यूज़ आपको दिख रही है 21 जून की, इसमें इन्होंने क्या किया है, बजाज 100% प्योर हिना करके कोई प्रोडक्ट है, उसे डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च किया है। तो क्या ये ऐसा स्टॉक है, न्यूज़ है जो इस स्टॉक को बिल्कुल ऊपर ले जाए, ऐसे रिकवरी कर दे? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ है ये, और ना ही ऐसा कोई बड़ा भयंकर वाला प्रोडक्ट है जो हर कोई यूज़ करे, है ना। तो गाइस फंडामेंटल में तो हमको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से हम लोग इसमें एंटर करें। थोड़ी सी पॉजिटिविटी अगर आपको चाहिए इसमें बने रहने के लिए, तो टेक्निकली मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि जिस पैटर्न में आपको ये बेस दिख रहा है, बेस अगर बेस कनेक्ट कर दें, जिस पैटर्न में आपको ये बेस बनता हुआ दिख रहा है, तो आपको ये दिखेगा कि ये किस तरह से जा रहा है ऊपर, थोड़ा लगभग सीधा ही जा रहा है ना, ये वाला बेस जो है थोड़ा पिछले वाले से ऊंचा है। लेकिन अगर RSI में आप देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है, राइट। तो यहाँ पे बेस बना, यहाँ पे बेस बना, यहाँ पे बेस बना, तो ये एक आप पॉजिटिव सिग्नल मान के चल सकते हैं कि जो इसके RSI का जो बेस बन रहा है वो एटलीस्ट ऊपर ऊपर बन रहा है कंपेयर टू इसके कैंडल्स के चार्ट में। लेकिन सही बोलूँ तो ये स्टॉक बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया, इसमें कोई भी एंट्री के सजेशंस मैं नहीं दूंगा। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी लॉन्च किया तो है इसने। अब इसमें आपको अगर किसी भी तरह से ऐसे बड़े कैंडल अगर कभी बनते हुए दिखे तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो। अगर आप लॉस में हो तो डिसीजन आपका है बॉस, आपको लॉस बुक करना है
या नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना गिर चुका है, अब क्या ही गिरेगा पता नहीं, है ना। तो आप ये मान के चलो, अगर एक स्ट्रैटेजी चाहिए तो ये आप मान के चल सकते हो कि एटलीस्ट इसका जो पिछला लोअर हो वो ब्रेक ना हो। जब भी वो लोअर ब्रेक होता है तो आप प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका हो रहा है आप बुक करके निकल सकते हो, और वो जो नुकसान है दूसरे किसी अच्छे स्टॉक में कवर कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा और इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। कुछ अगर आपके सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।